हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग सेशन। आज हम लोग बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल पनीर मैगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में एक चम्मच तेल लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ एक चम्मच। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहे तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पनीर फ्राई करूँगी। बहुत लोग कच्चा पनीर भी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पनीर को फ्राई कर लूँगी, उससे टेस्ट उससे और अच्छा आएगा। पनीर का जब कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, ये देखिए, इनको पूरा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। अब इनको हम निकाल लेंगे, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें एक चम्मच तेल और लेंगे हम। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, इनको हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इनको पूरा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करना है पिंक होने तक। इनको पूरी तरह से ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक इनको फ्राई करना है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लेंगे। ये सब ऑप्शन में है, लेकिन ये सब डालने से मैगी हमारी और चटपटी बन जाएगी। शिमला मिर्च भी जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम इसमें कॉर्न डालेंगे, मटर मिक्स करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं 5 पैकेट का मैगी बना रही हूँ, तो इसके लिए जो मैगी में जो मसाले होते हैं ना, वही मसाला मैं यूज कर रही हूँ। ये 5 पैकेट मसाला है। 5 पैकेट मैगी को इसमें हम मिक्स कर लेंगे, इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम लो ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं यूज करेंगे, बस थोड़ी सी हल्दी। अब यहाँ 5 पैकेट मैगी बना रहे थे, तो इसके हिसाब से हम ये 4 कप पानी लेंगे। हाँ, 4 कप पानी ले लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तक वेट करेंगे। पानी में जो उबाल आ जाएगा, तो उसमें हम 5 पैकेट मैगी इसमें मिक्स कर देंगे। इनको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हल्के हाथों से इनको मिला लेंगे। आपको ऐसी रेसिपी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगे। मैगी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हमने जो पनीर को फ्राई किया था वो मिक्स कर लेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने मिर्च का यूज नहीं किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च या लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, अब चलिए इन्हें हम सर्व करते हैं। आ गया ना मुँह में पानी, कर रहा है ना मन आपका भी खाने का। तो चलिए अब इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय।